हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है टगोची फिलॉसफी। टगोची फिलॉसफी बेसिकली एक डॉक्टर गेनिची टगोची उसका नाम था। टगोची एक ह्यूमन था जिन्होंने ये बताया कि किसी भी इंडस्ट्रीज में जो हमारी प्रोडक्ट्स होती है यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स होती है उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। जब टगोची आया तो टगोची ये देखा कि जो इंडस्ट्रीज में पहले एग्जिस्टिंग प्लान थे यानी कि जो एग्जिस्टिंग वहाँ काम हो रहा था वो ये देखा कि यहाँ पे जो टाइम और मनी का रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है यानी कि ज़्यादा समय में ज़्यादा पैसे में हमको जो आउटपुट मिल रही थी वो नेग्लिजिबल थी या फिर हमको बहुत ज़्यादा कम मिल रही थी जो कि वो लॉस में जा रहा था। टगोची यहाँ पे एक फिलॉसफी लगाया कि क्यों ना हम जो प्रोडक्ट हमारा आ रहा है इसकी क्वालिटी को हम इम्प्रूव किया जाए और इम्प्रूव करने के वो तीन मेथड देता है। आगे मैं बताऊंगा वो तीन मेथड कौन से थे। दूसरी चीज टगोची ये बोला कि यहाँ पे जो हमको प्रोडक्ट देनी है उस प्रोडक्ट को हमको जो डिजाइन करना है और इसकी जो क्वालिटी है ये दोनों को हमको पहले मजबूती लानी पड़ेगी। मजबूती को ही यहाँ पे एक शब्द देखा गया वो रोबस्ट डिजाइन। रोबस्ट डिजाइन का शब्द टगोची ने ही दिया था। रोबस्ट डिजाइन का मतलब ये है कि हमको ऐसा प्लानिंग करना चाहिए, एक ऐसा डिजाइन करना चाहिए जिससे हमारी जो क्वालिटी हो प्रोडक्ट की वो काफी ज्यादा रहे, जिससे होगा ये कि यहाँ पे जो टाइम और मनी दोनों का रेशियो बैलेंस भी रहेगा और साथ ही साथ हमारा आउटपुट भी बहुत अच्छा मिलेगा यानी कि आउटपुट मीन्स उसके बेनिफिट्स। जो भी इंडस्ट्रीज रहती है कोई प्रोडक्ट बना रही है तो अपने बेनिफिट्स की बात करेगा तो उसकी बेनिफिट्स अच्छी रहनी चाहिए क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे टाइम भी ज्यादा लग रहा है, इन्वेस्टमेंट भी हम ज्यादा कर दे रहे हैं लेकिन आउटपुट के रूप में हमको उस तरीके से हमको वो नहीं मिल पा रहा है जो हमको मिलना चाहिए था। तो यहाँ पे टगोची की फिलॉसफी यही कहती है कि यहाँ पे वो क्या किया, ये मंथन देके गया कि हमको रोबस्ट डिजाइन करनी है और तीन प्रोसेस पैरामीटर बताया। ये तीन प्रोसेस पैरामीटर जो भी उसको फॉलो कर लेगा तो यहाँ पे हमारा सारा क्वालिटी जो भी प्रोडक्ट की रहेगी वो बहुत ही अच्छी रहेगी। यहाँ इसकी फिलॉसफी की बात करते हैं। सबसे पहला तर्क जो दिया, ये स्टेटमेंट जो इसने दिया वो ये था, रोबस्ट डिजाइन मेथड टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ गुड्स। गुड्स लिखिए या फिर इसको आप प्रोडक्ट्स लिखिए, एक ही मतलब है। हमको क्या करना है, रोबस्ट डिजाइन तैयार करना है, हमको रोबस्ट डिजाइन डेवलप करना है, रोबस्ट डिजाइन हमको बनाना है जिससे क्या हो कि जो इंप्रूवमेंट हो, जो क्वालिटी हो गुड्स की, जो क्वालिटी या फिर प्रोडक्ट की जो क्वालिटी रहे वो इंप्रूव होते रहे। इंप्रूव करने के लिए सबसे पहले हमको जरूरी है उसका एक रोबस्ट डिजाइन करना, एक ऐसा डिजाइन करना जो कि कभी फेल हो ही ना, या फिर एक ऐसा डिजाइन करना जो आगे हमको बहुत ज्यादा मुनाफा दे या फिर बहुत ज्यादा वो चले। जब तक कस्टमर की डिमांड हम फुलफिल नहीं करेंगे, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा, उस प्रोडक्ट को वो पसंद नहीं करेगा। तो प्रोडक्ट को पसंद वो तभी करेगा जब आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी होगी। तो इसी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए वो बोला कि आप क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए सबसे पहले हमको जो प्लानिंग हम कर रहे हैं उस प्लानिंग का या फिर जो भी हम प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसकी डिजाइन अच्छे तरीके से होनी चाहिए। पहला स्टेटमेंट ये कहता है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है टगोची डेवलपमेंट ऑफ डिजाइन फॉर स्टडिंग वेरिएशंस की यहाँ पे बात की। वेरिएशंस का यहाँ पे ये शब्द जरूर आप लिखिएगा कोई भी एग्जाम अगर आप लिखते हैं थ्योरेटिकल पार्ट में। यहाँ पे बोल रहा है टगोची ये बोलता है कि जो यहाँ पे हम डिजाइन करेंगे वो डिजाइन किस बेसिस पे करेंगे, तो डिजाइन हमको यहाँ पे वेरिएशंस को मद्देनजर देख के करना है यानी कि जो हमारा फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा, वेरिएशंस पे। वेरिएशंस को फोकस करके उसको एनालाइज करके हम यहाँ पे जो भी डिजाइन करेंगे तो वही हमको डिजाइन करना है उसकी वेरिएशंस को देख के। क्या है ये वेरिएशंस, वेरिएशंस मतलब कि वेरिएशंस भी वो तीन प्रकार के देता यानी कि इंटरनल फैक्टर्स भी दिया, एक्सटर्नल फैक्टर भी दिया और ड्यूरिंग फैक्टर भी दिया। ये तीन फैक्टर ये दिया कि वेरिएशंस का मतलब ये है कि किसी वर्क को करने में लिया, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो वहाँ पे लेबर लग रहे हैं, जो मैनेजमेंट लग रहा है, इन सब का पहले एक सही तरीके से स्ट्रेटजिकल प्लानिंग होनी जरूरी है। जब तक ये लोग आपस में एक साथ काम नहीं करेंगे तब तक ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये वेरिएशंस अगर ऊंची नीची होती है तो ये काम नहीं करेगी। एग्जाम्पल के तौर पर ये बोली, सपोज मान लीजिए अगर आप कोई फोन लेते हैं, मोबाइल फोन अगर आपका आज नया लिए हैं और वो एक साल तक कॉन्स्टेंटली आराम से अच्छा खासा चलता रहा, वो चीज आपको बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन अगर आपके मोबाइल फोन में हल्की सी भी अगर आपको फोन गिरती है, अगर मान लीजिए उसका स्क्रीन गार्ड भी क्रैक होता है, तो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा चोट पहुंचता है कि मेरा फोन टूट गया। हुआ क्या कि जब तक कॉन्स्टेंट चल रहा था, जब तक मोबाइल के सारे फीचर्स कॉन्स्टेंटली काम कर रहे थे, तब तक आपको किसी तरीके की कोई समस्या नहीं था, आपको ये लग रहा था ये मेरा फोन प्रॉपरली चल रहा है। लेकिन जहां से भी थोड़ी सी वेरिएशंस आई, वेरिएशंस क्या आई, यहां पे आपका स्क्रीन टूट गया, हो सकता है आपका कैमरा कल फूट जाए या फिर आपका कैमरे का फीचर्स खराब हो जाए, तो यहां पे आपको हर्ट होगा। हर्ट मींस आपको वो चीज मजा नहीं आएगा, आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे। तो ये क्या हुआ, वेरिएशंस हुई। तो यहां पे जो वेरिएशंस थी, ये वेरिएशंस को ध्यान में रखते हुए जो भी हम काम कर रहे हैं, वेरिएशंस हमारी नहीं होनी चाहिए, इस चीज को ध्यान रखते हुए ये एनालाइज किया, जो भी वेरिएशंस आती है उसका वो स्टडी किया, स्टडी करने के बाद हमको डिजाइन डेवलपमेंट करनी है। सेकंड तर्क ये देखे गया, इसका बहुत बड़ा योगदान था। एक्सटर्नल भी होता है, एक्सटर्नल यानी कि हो सकता है आप जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वो मार्केटिंग में अच्छा नहीं चल रहा है, तो प्रोडक्ट के हिसाब से मार्केट का क्या डिमांड है, मार्केट की क्या रेशियो है,
हम कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, उन सब के आधार को हमको मद्देनजर रख के ऐसे डिजाइन करनी है। तीन स्टेज ये देखिए, यानी कि तीन प्रोसेस स्टेज दिए, तीन प्रोसेस स्टेज ये थे। पहला था हमारा सिस्टम डिजाइन, दूसरा था पैरामीटर डिजाइन और तीसरा था टॉलरेंस डिजाइन। सिस्टम डिजाइन के अंदर ये बोला इन्वॉल्विंग क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। सिस्टम डिजाइन आपको डिजाइन ऐसा करना है जिसमें हम क्रिएटिविटी दिखाएं, इनोवेशन भी दिखाएं, दोनों का मतलब अलग अलग होता है। तो आप डिजाइन कर रहे हैं तो कोई भी चीज अगर आप डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें दिन ब दिन आप उसमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए, कुछ उसमें नया होना चाहिए, कुछ उसमें टेक्नोलॉजीज नहीं होनी चाहिए, कुछ उसमें डिजाइन पैरामीटर्स अलग होने चाहिए, तब तो हमारा डिजाइन आगे चलेगा। क्योंकि होगा क्या कि हम एक ही डिजाइन को लेकर लॉन्ग टाइम तक काम नहीं कर सकते। आज कोई अगर फोन आ रहा है उसकी जो फीचर्स हैं ये 10 साल बाद इस फोन की फीचर्स की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो यहाँ पे क्रिएटिविटी और इनोवेशन लानी जरूरी थी। तो इस तरीके की हमको जो डिजाइन करनी है तो उसका वो प्रोसेस पैरामीटर दे गया। पहला क्या था? सिस्टम डिजाइन। सिस्टम डिजाइन के अंतर्गत हमने क्या समझा? इन्वॉल्विंग क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। सेकंड पढ़ते हैं हम पैरामीटर डिजाइन की तरफ। अब जो भी हम डिजाइन तैयार कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई भी प्रोडक्ट अगर आप मतलब जो भी डिजाइन कर रहे हैं, डिजाइन करने के लिए जब उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो उस डिजाइन को पहले आप सुनिश्चित कर लीजिए, इंस्पेक्ट कर लीजिए, चेक कर लीजिए, उसको एक पहले प्रोटो मॉडल पे तैयार कर लीजिए कि क्या ये जो मैं डिजाइन किया हूं ये यूजफुल है। तो यहां पे बोल रहा है सेट द डिटेल डिजाइन। जो भी आप डिजाइन कर रहे हैं पहले उसकी डिटेलिंग करिए, उसको आप पहले एनालाइज करिए क्या ये मेरा कारागार है या फिर नहीं। तीसरा था टॉलरेंस डिजाइन। टॉलरेंस डिजाइन यहाँ पे वो आउटपुट की बात किया, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पुअर क्वालिटी कैन नॉट इंप्रूव द प्रोसेस ऑफ इंस्पेक्शन। अगर आपका जो भी प्रोडक्ट निकल के आ रहा है, प्रोडक्ट पे आप क्या कर रहे हैं उसमें इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि मेरा प्रोडक्ट सही बनाया है कि नहीं, तो प्रोडक्ट पे इंस्पेक्शन करने से आपको कोई फायदा नहीं है। क्यों? अगर आपका बैड प्रोडक्ट निकला है तो आप प्रोडक्ट के ऊपर इंस्पेक्शन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपका वो प्रोडक्ट बन के आ चुका है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पुअर क्वालिटी कैन नॉट इंप्रूव द प्रोसेस ऑफ इंस्पेक्शन। पुअर क्वालिटी अगर आपका प्रोडक्ट है तो वो इंस्पेक्शन करने से अच्छा नहीं हो जाएगा या वो इंप्रूव नहीं हो जाएगा। इसलिए हमको क्या करना है, हमको प्लानिंग ही ऐसी करनी है, हमको पैरामीटर्स ऐसे तैयार करने हैं जो कि हमारा गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट निकले। अक्सर क्या करते हैं इंडस्ट्रीज में, प्रोडक्ट आने देते हैं, जब फाइनल प्रोडक्ट आता है तो उसके ऊपर निरीक्षण करना स्टार्ट कर देते हैं, उसके ऊपर इंस्पेक्ट करते हैं और प्रोडक्ट वेस्ट आता है तो उसको स्क्रैप में भेज देते हैं। तो हमको क्या करना है, पहले से ही इंस्पेक्शन करते हुए आना है, सारे पैरामीटर सारे डिजाइन प्रोसेस अच्छे तरीके से आना है, तभी हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट हमारा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा और ये इंप्रूव होगा। यही था टगोची का फिलॉसफी। इतना पॉइंट अगर आप लिख देते हैं काफी आपके लिए है। और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कौन से टॉपिक का वीडियो चाहते हैं। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक भी शुक्रिया। जय हिंद।